कर्नाटक पुलिस ने यौन अपराधों के आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई और जेडीएस विधान पार्षद सूरज रेवन्ना से झूठे यौन उत्पीड़न के मामले में जबरन वसूली की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जीडी के हासन जिले के अरकला गुड्डू शहर के एक पुरुष कार्यकर्ता ने सूरज रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। सूरज रेवन्ना के करीबी सहयोगी शिव कुमार ने होलेन रसीपुरा थाने में पीड़ित और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शिव कुमार ने शिकायत में कहा कि पैसे ऐंठने के लिए सूरज रेवन्ना के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने सूरज रेवन्ना को 5 करोड़ रुपए न देने पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 384 और 584 के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि यौन शोषण का शिकार होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने सूरज रेवन्ना के जरिए नौकरी लगवाने की मांग करते हुए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने सूरज रेवन्ना का फोन नंबर भी उसे दिया था। आरोपी 16 जून को नौकरी मांगने के लिए फार्म हाउस आया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि फार्म हाउस पर सूरज रेवन्ना से मिलने के बाद आरोपी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। जब विधान पार्षद उसे नौकरी नहीं दिला पाए तो आरोपी ने 5 करोड़ रुपए की मांग करते हुए धमकी दी कि पैसा नहीं मिलने पर वो उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराएगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब इस मामले पर चर्चा की गई तो सूरज रेवन्ना ने कहा कि जब आरोपी उससे फार्म हाउस पर मिला तो पुलिसकर्मी और अन्य लोग मौजूद थे। शिव कुमार ने कहा कि सूरज रेवन्ना ने पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद आरोपी ने कम से कम 2.5 करोड़ रुपए मांगे। इस बार भी इनकार करने पर आरोपी ने कहा कि वह सूरज रेवन्ना के परिवार को बदनाम कर देगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वह सूरज रेवन्ना को उसके द्वारा आयोजित एक समारोह में मिला था। उनके काम से प्रभावित होकर सूरज रेवन्ना ने अपना मोबाइल नंबर दिया था और लव सिंबल के साथ मैसेज भेजना शुरू कर दिए। उसे अपने फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाया गया जहां उसका कथित तौर पर यौन शोषण किया गया। अश्लील वीडियो कांड के सिलसिले में सूरज रेवन्ना के बड़े भाई और पूर्व जेडी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। उनके पिता जेडी विधायक एचडी रेवन्ना को अश्लील वीडियो कांड से जुड़े अपहरण के एक मामले में जेल में बंद कर दिया गया था। फिलहाल वो सशर्त जमानत पर हैं। उनकी मां भवानी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण के मामले में जांच चल रही है। हाल ही में अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत मिली है।